और भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलने लगे हैं। कांग्रेस अब नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा और लड़की छेड़ने वाला कहा। श्रीमान भंटाधार दिग्विजय सिंह तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानते और गाय को गौमाता नहीं मानते, मगर आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। इसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता जीतू पटवारी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया है, नफरती हिंदू। करके विजय श्री हासिल कर लिए और अब अयोध्या की तरफ जब राम लौट कर आएंगे तो अयोध्या दीयों से सजाई जाएगी। देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है, हम और आप उसमें सम्मिलित होंगे। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं और कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना और आतंकवादियों से जीत कहकर संबोधन किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। आदर जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे, बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था, उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को यह शब्द किया। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द रचा। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले खरगोन में जिनने दंग, जिनने आगजनी की, जिनने लोगों के घर जलाए, जिनने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, जिनने दुकानें जलाई, जिनने मंदिर तोड़े, जिनने शोभा यात्रा पर पथराव किए, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे और हम इनको बचाएंगे। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतनी ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी।